का, तो इस नाइट्रोजन और इस जो कार्बन है उनके बीच में बॉन्डिंग हो गई है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बाइंड है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में हमने बॉन्डिंग कर दी। अब उसके बाद इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे है ना, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, तो डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया और सारा एज इट इज प्रेजेंट रहेगा है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, थोड़ा लेंथी सिंथेसिस है लेकिन ईजी है, स्टेप बाय स्टेप पूरा होता रहेगा। अब देखो हमने कर दिया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, अब रिंग फॉर्मेशन होगी। रिंग फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन आके इस कार्बन के साथ बाइंड करेगी तो यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा। साथ में इस नाइट्रोजन का जो ये H रिलीज होगा तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, दो रिंग बनेगी, एक रिंग तो यहाँ से बनेगी ये 5-membered रिंग, एक रिंग ये नाइट्रोजन और ये कार्बन बाइंड करेगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 6-membered रिंग, तो दो रिंग बनेगी, एक तो ये वाली जो 5-membered है और एक ये वाली, ये फर्स्ट रिंग फॉर्म हुआ और ये सेकेंड रिंग फॉर्मेशन हुई, तो इन दोनों रिंग की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला नाइट्रोजन है, ये वाला कार्बन ये इसके साथ बाइंड कर गया, ये वाला कार्बन मतलब ये वाला बॉन्ड इसमें नया बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे है ना, हाइड्रोलिसिस, कहने का मतलब क्या है, हमने हाइड्रोजिनेशन H2O को H2 को ऐड किया, जब हम H2 को ऐड करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से H2 है तो ये वाटर की फॉर्मेशन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, -H2O, इस ऑक्सीजन को हमने रिमूव कर दिया, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, तो यहाँ से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन बच गया, दो हाइड्रोजन इसके पास बाइंड कर जाएंगे और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्सी के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन ओ मिथोक्स मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, मिथोक्सी ग्रुप, तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ये वाले ग्रुप बाहर निकल जाते हैं और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, ये वाली बॉन्डिंग, यहाँ से हमने इस वाले ग्रुप को बाहर निकाल दिया, यहाँ से इस ग्रुप को बाहर निकाल दिया है ना, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा है ना, मिथाइल ये हमारे पास है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो H है हमारे पास यहाँ पे और OH है, तो इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो OH तो चला जाएगा इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन बचेगा वो इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहलिक ग्रुप बच गया और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें ये इतना हमने कर लिया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, फिर हमने फिर से मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे जो COOH ग्रुप था उसके साथ में ये मिथोक्स CH3 साथ में बाइंड कर गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है OH ग्रुप, यहाँ से OH निकला और यहाँ पे H था, वाटर बाहर निकल गया, मतलब -H2O, ठीक है। देखो जो ये ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3OH के साथ तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे OH है और यहाँ से एक हाइड्रोजन है, दोनों रिमूव हो जाएंगे है ना, दोनों यहाँ से रिमूव होंगे और ये CH3 इसके साथ जाके बाइंड करेगा, तो वही सेम है यहाँ पे हमारे पास कि जब हमने CH3 के साथ रिएक्शन कराई तो इसके साथ CH3 आके बाइंड हो गया और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फिर हम इसके रिएक्शन कराते हैं मिथाइल अल्कोहल और साथ में ये हमारे पास क्या है, एक तरह से यहाँ पे आप OH भी मान सकते हो, यहाँ पे क्या है OH, ये हमारे पास क्या है 3-4-5 मिथोक्सी है ना, बेंजोइक एसिड है ना, और ये हमारे पास क्या है मिथाइल अल्कोहल। तो हमने जब हाइड्रोलिसिस किया था तो देखा था कि हमारे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट बने थे, एक हमारे पास बेंजोइक एसिड बना था, ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है और ये हमारे पास जो वो था हमारे पास क्या था रेसिपिक एसिड, तो ये रेसिपिक एसिड साथ में मिथाइल अल्कोहल और ये साथ में मिथोक्सी
बेंजोइक एसिड, तीनों को आपस में बाइंड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेसिपाइन एल्कलाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, वीडियो को आराम से देखिए, मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो आप इसकी पीडीएफ भी देखना। इजी है बिल्कुल, बस आपको मेन हाइड्रोलिसिस करना है इसके अंदर और या रिडक्शन करना है और एक दो स्टेप में ऑक्सीडेशन करना है। इजीली आराम से बैठ के देखिए, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है,